जय हिंद वंदे मातरम साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आ चुकी है, भर्ती आ चुकी है। आपका ऑनलाइन अप्लाई मेरे दोस्त 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 27 अक्टूबर से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो रहा है। आज आप सबके सामने साथियों देख सकते हो, नोटिस आ चुका है और बिल्कुल रियल नोटिस मेरे दोस्त। ये आपको एसएससी की ऑफिशियली वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। सबसे पहले अगर आप बात कर लें तो आपकी जो ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो रही है मेरे दोस्त, वो हो रही है 27 अक्टूबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2022 तक। आप सभी यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर अगर बात करें मेरे दोस्त, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज इस वीडियो में देने वाली, ठीक है, वीडियो को लगातार देते रहना। यहां पर अगर बात करें तो आप सभी देख सकते हो, जनवरी 2023 में आप सबका एग्जाम है। मेरे भाई तैयारी में जुट जाओ, तैयारी में आप सभी अच्छे से जुड़ जाओ। जनवरी 2023 में आप सबके यहाँ पे एग्जाम भी होने वाला है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है मेरे दोस्त आज आप सबके लिए, क्योंकि कैलेंडर जारी किया जिसमें बताया गया आप सबको कि यहाँ पे आपकी वैकेंसी 10 तारीख से ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो गई, 10 दिसंबर से। लेकिन मेरे दोस्त वैकेंसी आ गई है, पहले आ गई है, जनवरी में आपका एग्जाम होने वाला है। मेरे तो वैकेंसी को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट है आप सब सामने। वैकेंसी की बात करें यहाँ पे मेरे दोस्त, 24,369 वैकेंसी निकल के आ चुकी है, ठीक है। अगर यहाँ पे सैलरी की बात करें, यहाँ पे 21,700 लेकर 69,100 रुपये तक आप सबको मिलने वाला सैलरी। और यहां पे मेरे दोस्त आप सब के लिए एक बड़ी अपडेट है। वो अपडेट क्या है मेरे, वैकेंसी किस फोर्स में कितनी वैकेंसी आई हुई है, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहां पे आप सभी ध्यान दीजिएगा, बीएसएफ की बात करें मेरे दोस्त, तो बीएसएफ में 10,497 वैकेंसी निकल के आ चुकी, ठीक है। सीआईएसएफ की बात करें मेरे दोस्त, सीआईएसएफ में 100 वैकेंसी निकल के आई है मेरे दोस्त, 100 वैकेंसी, ठीक है। सीआरपीएफ की बात करें मेरे दोस्त, सीआरपीएफ में निकल के आई हुई है 8,911 वैकेंसी, ठीक है। कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी है मेरे भाई। एसएसबी की बात करें, एसएसबी में निकल के आई हुई मेरे दोस्त यहाँ पे 1,284 पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर आईटीबीपी की बात करें मेरे दोस्त, तो आईटीबीपी में निकल के आया हुआ है 1,613 पोस्ट। और यहाँ पे असम राइफल की बात करें मेरे दोस्त, असम राइफल में 1,697 पोस्ट निकल के आई हुई, ठीक है। यहाँ पे अगर एसएसएफ की बात करें मेरे दोस्त, एसएसएफ में यहाँ पे 103 पोस्ट निकल के आई हुई है। अगर साथियों यहाँ पे टोटल हम वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो लिखा गया है 24,369 वैकेंसी निकल के आई हुई है। साथियों आप सबके लिए बड़ी अपडेट है कि एनसीबी की भी भर्ती इसमें आ चुकी है, ठीक है। एनसीबी आप सभी जानते होंगे, एनसीबी क्या है, जांच ब्यूरो का काम होता है, ठीक है। और यहाँ पर साथियों एससी का 25 सीट है, एसटी का 11, ओबीसी का 38, ईडब्ल्यूएस का 23 और जनरल का 67 पोस्ट, ठीक है। टोटल मिला के 164 पोस्ट आते हैं, ये भी निकल के आ चुका है। टोटल वैकेंसी की बात करें यहाँ पे मेरे दोस्त, तो 24,369 वैकेंसी निकल के आ चुके हैं। साथियों इस वैकेंसी में, एसएससी जीडी के इस वैकेंसी में आपको सिलेबस में बहुत ही बड़ा चेंजेस कर दिया गया, ठीक है। आपका सिलेबस जैसे पहले था वैसे नहीं है अब, ठीक है। अगर एज की बात करें मेरे दोस्त, जो कि आप सबको जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे बच्चों के यहाँ पे काफी ज्यादा बच्चों के यहाँ पे सवाल रहता है सर एज क्या रहने वाली। मेरे दोस्त आपकी जो एज है यहाँ पे वो 18 से लेकर 23 साल तक के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद साथियों आपकी जो एज काउंट हो रही है वो 1 जनवरी 2023 से आपकी एज काउंट हो रही है। कितने से? 1 जनवरी 2023 से आपकी एज काउंट हो रही है। अगर आप सबकी एज 2 जनवरी 2000 ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्त, ध्यान से सुनिएगा, 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच में अगर आप सबका डेट ऑफ बर्थ पड़ता है तो आप सभी यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हो। आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने वाली। एससी एसटी को यहाँ पे 5 साल का छूट दिया जा रहा है, ओबीसी को यहाँ पे 3 साल का छूट मिल रहा है, ठीक है। अब साथियों बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन आप सबके निकल के आ चुकी है। आप सबके पास जितने भी फ्रेंड्स हैं जो कि 10वीं पास हैं और उनको जॉब की तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, सरकारी जॉब, तो आप सबके लिए बड़ी वैकेंसी निकल के आ चुकी है एसएससी जीडी कांस्टेबल में, ठीक है। डिफरेंट फोर्ट में आते हो, अलग अलग वैकेंसी निकल के आई हुई है आप सबके लिए, जो कि बहुत ही जान लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो में ही देने वाला साथियों, जो कि वैकेंसी बहुत ही पहले आने वाली थी, लेकिन मेरे दोस्त वो साथियों अब 10 दिसंबर से ऑनलाइन ना होकर मेरे दोस्त अब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो चुका है मेरे दोस्त। 27 अक्टूबर से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है। सिलेबस मेरे दोस्त बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिलेबस जानकारी मेरे दोस्त बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे साथियों थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा गया है मेरे दोस्त, ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है मेरे दोस्त, आपके जो सिलेबस थे वो हमेशा 25-25 करके आते, ठीक है। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज में 25 क्वेश्चन, मैथ में 25 क्वेश्चन और हिंदी इंग्लिश में आपका 25 क्वेश्चन। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, अब आपके 20-20 क्वेश्चन आने वाले, ठीक है। 20 क्वेश्चन आपका आने वाला रीजनिंग से, 20 क्वेश्चन आपका आने वाला है जीके से और 20 क्वेश्चन आपका आने वाला मैथ से और 20 क्वेश्चन आपका हिंदी इंग्लिश में से आपको एक सब्जेक्ट छूटना पड़ेगा, अभी आपका 20 कुछ भी समझ, ठीक है। यहां पे आपका एक क्वेश्चन का अब 2 नंबर मिलने वाले हैं मेरे दोस्त, बहुत ही बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। आप सभी तैयारी में एक बार अच्छे से जुड़ जाइए, ठीक है। अब यहां पे आप सबको अगर साथियों बात करें तो 40 मतलब कि आपका
आप सभी अगर जनरल जनरल रीजनिंग की अगर बात करें मेरे दोस्तों, रीजनिंग में आपका 20 क्वेश्चन का साथ 20 क्वेश्चन आएगा, वो भी 40 नंबर का, ठीक है। अगर यहाँ पे जीके की बात करें मेरे दोस्तों, तो 20 क्वेश्चन आएगा 40 नंबर के, मतलब आपका 40 40 नंबर साथियों रहने वाला है हर एक सिलेबस, ठीक है। आपका साथियों इसमें से टोटल 20 क्वेश्चन कम कर दिया गया है पिछली बार के मुकाबले मेरे दोस्त, 20 क्वेश्चन कम किए गए हैं, मतलब टोटल 80 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर नंबर की बात करें मेरे दोस्त, तो यहाँ पे 160 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। 80 क्वेश्चन आएगा, 160 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। अब आप सबके अंदर सवाल चल रहा होगा सर निगेटिव मार्किंग की बात करिए, निगेटिव मार्किंग क्या रहने वाला है, तो मेरे दोस्त निगेटिव मार्किंग आपको मैं बता दूं यहां पे, तो 0.50 का निगेटिव मार्किंग है। अगर आप सभी दो क्वेश्चन गलत करते हो, दो क्वेश्चन गलत करते हो, तो आपका यहां पे एक नंबर काट लिया जाएगा। तो मेरे दोस्त, तो मैं आपको बता दूं यहां पे जो दो नंबर काट दिया गया है, आप सबको बता दें यहाँ पे मेरे दोस्त, जो एक क्वेश्चन का यहाँ पे दो नंबर जो दिया जा रहा है मेरे दोस्त, उस हिसाब से ये निगेटिव मार्किंग जैसे पहले थी वैसे अब भी है, ठीक है। कोई भी खास असर नहीं पड़ा है इस पे, ठीक है। तो यहाँ पे साथियों 10वीं के लेवल के आपका एग्जाम होने वाला है, और सभी अगर 10वीं पास है तो आप सभी यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हो। और 27 तारीख से मेरे दोस्त, आज से आपका ऑनलाइन अप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ऑनलाइन अप्लीकेशन करिए मेरे दोस्त, ऑनलाइन अप्लाई करिए, और 30 नवंबर से पहले पहले आप सभी यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर दीजिएगा। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे दोस्त, बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही कोई नई अपडेट निकल के आती है, मैं आप सबके लिए फिर से एक वीडियो बना दूंगा मेरे दोस्त। ये वीडियो मैं रात में बना रहा हूँ, इसलिए आप सभी मेरी साथियों मजबूरी को समझिएगा, और आप सभी सब्सक्राइब चैनल जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबके साथियों बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है, काफी बच्चे यहाँ पे वेट कर रहे थे SSCED कांस्टेबल, ठीक है। यहाँ पे मेरे दोस्त बात करें तो आपकी रनिंग होने वाली है मेल कैंडिडेट की 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और फीमेल की होने वाली है 1600 मीटर 8.5 मिनट में, ठीक है। और यहां पर साथियों बात करें, अगर आप सभी साथियों यहां पे ध्यान दीजिएगा, फॉर द रीजन लद्दाख रीजन, अगर आप सभी लद्दाख रीजन चाहते हो, आप सबकी जो यहाँ पे रनिंग होने वाली है मेल की, वो 1600 मीटर रनिंग होगी मेरे दोस्त, वो भी 6.5 मिनट में क्वालिफाई करना होगा। फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 800 मीटर रनिंग होगी, जो कि 4 मिनट के अंदर रनिंग क्वालिफाई करना, ठीक है। यहाँ पर हाइट की बात करें, 170 सेंटीमीटर हाइट लगने मेल की, और फीमेल की यहाँ पे 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। साथियों पिछली बार के मुकाबले अब की बार SSCED में काफी ज्यादा चेंजेस किए गए हैं, सिलेबस को लेकर मेरे दोस्त काफी ज्यादा चेंजेस हुए हैं, ठीक है। साथियों अब यहाँ पे बात करें, ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू द शेड्यूल, मतलब यहाँ पे साथियों आप सबका, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा आप सबकी, क्या इसमें चेस्ट हाइट लगने वाला है, बाकी सबका जो इंपॉर्टेंट है मैं आप सबको आज ही इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। आज ही मैं आप सबको इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट है वो सारी बातें बताने वाला हूं, इसलिए आप सभी वीडियो को देखते रहना। चैनल पहली बार हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ठीक। अब साथियों आप सबको एक बात और जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप सबको एग्जाम में कितना नंबर लाना है, ठीक है। आपको यह विशेष ध्यान देना है, आपको एग्जाम में कितना नंबर लेके आना है, जिससे आप सभी पास मार्किंग हो जाओगे, ठीक है। मेरे दोस्त यहां पे आपका पास मार्किंग रखा गया है जनरल का 30%, अगर आप सभी 30% लाते हो, 160 का साथ 30% लेके आते हो, तो यहां पे पास माने जाओगे। ओबीसी ईडब्ल्यूएस का यहां पे 25%, मेरे दोस्त ईडब्ल्यूएस को यहां पे मिल गया रिलैक्सेशन, EWS को रिलेक्सेशन मिल गया है। 25 नंबर अगर दोस्तों 25% अगर लेके आते हैं, उन सब यहाँ पे क्वालिफाई माने जाएंगे, ठीक है। ऑल द कैटेगरी का भी साथियों 20% यहाँ पे रखा गया है। साथियों आप सबके लिए बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है, आप सभी फटाफट साथियों ऑनलाइन अप्लीकेशन स्टार्ट कर दीजिए। साथियों यहाँ पे फोर्स की कोड दी गई है, BSF का A है, CSF का B है, CHPF का C है, उसके बाद SSB का D है, ITBP का EE है, SM राइफल का F है, SSF का H है, और NCV का यहाँ पे G है। तो आप सभी ऑनलाइन अप्लाई करते समय साथियों पोस्ट प्रेफरेंस जरूर करिएगा, और आपकी मनपसंद जो पोस्ट साथियों सबसे ऊपर रखिएगा, ठीक है, ताकि आप सबका यहाँ पे सिलेक्शन उसी में हो जाए, हो सकता है साथियों आपका ज्यादा नंबर आ जाए, तैयारी में बेहतरीन जुट जाइए, ठीक है। क्योंकि साथियों आपकी अब आपको आर पार कर देना है, साथियों बहुत हो गया आपका फाइनल मेरिट में नाम नहीं आया, लेकिन अब की बार साथियों आपको ठान लेना है कि हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट में अब की बार हमारा नाम आएगा, चाहे जो हो जाए। तो मेरे दोस्त अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, जानकारी को साथियों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार हो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। साथियों सबसे पहले आपके यहाँ पे पेपर होने वाला है, पेपर के बाद आपके यहाँ पे फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपके यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, जिससे आप सबका वहीं से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। साथियों चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिर से डिटेल से प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।